You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said. मैं हूँ तान्या और आप लोग देख रहे हैं TNM ब्लॉग। मैं इस टाइम हूँ कमला नगर मार्केट में। यस, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट में आई हूँ तो मैं मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बार कमला नगर मार्केट एक्सप्लोर करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चाचे दी हट्टी छोले भटूरे की शॉप है, वो बहुत ही फेमस है, मैं वो एक्सप्लोर करने आई हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक अपने इंस्टा पे एक Q&A रखा था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि वो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ही अलग अलग सजेशंस आ रहे थे लोगों के। लेकिन मोस्टली लोगों ने मुझे 80-90% लोगों ने मेरे को खाने स्ट्रीट फूड के ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए बोला था, जिसमें मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो पूरी तरीके से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन ओपन हुए भी 2 महीने हो गए, लेकिन अभी भी काफ़ी शॉप बंद होती हैं, हम जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग डर रहे हैं ना, वो सेफ्टी को लेके डर रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, वो स्ट्रीट फूड खाना सेफ है कि नहीं है। नहीं अभी फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो मैं यही सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से एकदम शूट करूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो अब मैं चल रही हूँ चाचे दी हट्टी पे अपना ऑर्डर लेके। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है तो नंबर आने में भी टाइम लगेगा, तो चलिए फटाफट हम ऑर्डर करते हैं। Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it, everything you wanna do. नॉर्मली हर शॉप पे देखते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। आधे घंटे के बाद मेरा नंबर आया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ है नहीं, तो अगर आप छोले भटूरे आपको लेके अपना खुद आपको देखना है कि आपको कहाँ पे खाना है, कैसे अरेंजमेंट करनी है, टेबल लगी हुई आप स्टैंड कर बाय करके मतलब खड़े होकर कहीं भी खा सकते हैं। मतलब आपको मैं छोले भटूरे को इन्जॉय करती हूँ, देन मैं आपको देती हूँ इसका रिव्यू। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो यहाँ के छोले भटूरे सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर आप गूगल पे डालोगे कि बेस्ट छोले भटूरे, तो आपको सबसे पहले चाचे दी हट्टी का ही आएगा, टॉप पे नंबर 1 पे आता है ये शॉप। तो और ये नंबर 1 पे ही डिजर्व करता है, बिकॉज वाकई में इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इनके साथ खुद के मसाले होते हैं, चाहे जो भी, मतलब मैंने लास्ट टाइम जैन चावल वाले के यहाँ पे भी छोले भटूरे ट्राई करे, तो उनके भी नो डाउट के अच्छे हैं, बट मेरे को लगता है कि पूरी दिल्ली में आपको यहाँ से अच्छे छोले भटूरे कहीं नहीं मिल जाते कि मिल सकते, बिकॉज इसके अंदर छोले के आपको ना भटूरे के अंदर आलू की स्टफिंग मिलेगी, मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक बार आप यहाँ पे आके जरूर खाएं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि मैं नेक्स्ट वीडियो या कहाँ के स्ट्रीट फूड की बनाऊँ या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे इंडिया गेट वाले ब्लॉग को नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रही थी कि मैं इस बार एक पूरा स्ट्रीट फूड सीरीज लाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जैसे मेरी जो भी नई वीडियो है इसके सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आप मेरे वीडियोस को देखें। इस सीरीज में मुझे लगता है कि मुझे जितना मज़ा आने वाला है उसके साथ साथ आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली में जितने भी फेमस स्ट्रीट फूड है मैं वो सब अपनी वीडियोस में दिखाऊंगी। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप लोगों के पास सजेशंस है कि मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब कि कहाँ की बनाऊँ या कौन से स्ट्रीट फूड की बनाऊँ, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, DM कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.